नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें रमण महर्षि से एक कॉमन मैन, सिंपल आदमी जिसको भरोसा हो गया था कि वो बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत महान मास्टर हैं, तो उनसे वो बचकाने क्वेश्चन पूछ रहा है। बचकाने क्योंकि नॉर्मली हम लोग इस तरह के सवाल पूछते नहीं हैं, जानते हैं कि ये सब गड़बड़ है लेकिन करते रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आदमी को सिगरेट पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, अगर कोई मेडिटेशन सीख रहा है, स्पिरिचुअल रास्ते पे है। अब सबको पता है कि सिगरेट पीना ख़राब चीज़ है, तो रमण कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तंबाकू एक जहर है, तो अगर ध्यान करना ही है तो उसके बिना करो। सिंपल क्लियर आंसर है। ऐसे सवाल पूछते रहना चाहिए, पता है, क्योंकि हमारा मन अज्यूम कर लेता है कि जैसे इस आदमी ने अज्यूम कर लिया कि इसे तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी और फिर पीता। अगला सवाल पूछा पैशंस के बारे में, क्या पैशन शब्द को खास तौर से जब रमण के पास पूछा जाता था, कुछ लोग पूछते थे तो सेक्स से जोड़ते थे, प्यार मोहब्बत, खास तौर से सेक्सुअल चीज़ें। तो रमण कहते हैं सेक्स करते समय जो आपको आनंद मिलता है और ध्यान करते समय जो आपको आनंद मिलता है, वो दोनों सेम फोर्स है, खाली चैनल अलग अलग है। एक आदमी सेक्स के समय भी अच्छा फील कर सकता है और जब वो ध्यान करता है तब भी उसको अच्छा फील हो सकता है। दोनों का फोर्स एक ही है लेकिन चैनल अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए कुछ उन्होंने बोला नहीं। तीसरा, क्या आप ये भी कहते हैं कि एक आदमी को जब वो ध्यान सीख रहा है तो उसको मीट नहीं खाना चाहिए या शराब नहीं पीना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? रमण कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एब्सटेंशन मतलब कुछ दिन के लिए छोड़ना, रोकना। ये जो एब्सटेंशन है ये बहुत ही यूज़फुल एड है बिगिनर्स के लिए। जैसे आपको सर्दी हो जाती है तो आप बोलते हैं कि भाई मसाला मत खाओ, दही मत खाओ, तो ठीक होने के लिए वो एक एड है, एक हेल्प करता है। ऐसे ही जो आदमी ध्यान में जाना चाहता है, अगर वो छोड़ दे, अल्कोहल छोड़ दे, शराब छोड़ दे या मीट छोड़ दे, तो ये बहुत अच्छी हेल्प होती है उसको ध्यान में जाने के लिए। बोलते हैं कि ये शराब और मीट, इसके साथ आदमी परेशान इसलिए रहता है छोड़ने के लिए, असल में देखा जाए तो मीट आदमी को हेल्दी रखती नहीं है। हमारे आसपास के लोगों का हैबिट है, एक कस्टम है। मुझे याद है एक दिन यहाँ पर शादी हो रही थी तो पुतुल के पापा जी मुझे अलग से लेकर गए, ड्रिंक करो, तो शादियों में लोग पीते हैं, कस्टमरी। कस्टम बड़ी मजबूत चीज़ है। कस्टम मतलब जैसे बाबा पूजा कर रहे हैं वैसे आप भी करो, जैसे कपड़े घर के लोग पहनते हैं वैसे आप भी पहनो, लेकिन ये कस्टम कह रहे हैं बहुत खतरनाक कस्टम है और उसी वजह से आप पीते हो। आपका मन कहता होगा इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है, केवल कस्टम है। रमण को कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि एक आदमी जब मेहनत करेगा तो एनलाइटन होगा। तो कह रहे हैं जब तक आपका माइंड रियलाइजेशन में फर्म न हो जाए, आत्मज्ञान में, एनलाइटनमेंट में पक न जाए, उसको कुछ सोचने के लिए चाहिए, कोई पिक्चर या कोई आइडिया, नहीं तो आप फटाफट सो जाएंगे। अब एक शराबी को सोचने में दिक्कत होती है कुछ भी। अभी मान लीजिए हम लोग, आज क्लास चल रही थी तो मैं बहुत इंटेंसली सोच सोच के बोल रहा था। नॉर्मली जब मैं बैठा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, कुछ भी जनरल काम कर रहा हूँ, इवन गाड़ी चलाते समय, इतना इंटेंटली सोचते नहीं हम लोग, दिमाग अवेयर हो जाता है। लेकिन ध्यान के समय आपको और फोकस करना होता है। हमारा माइंड नॉर्मली या तो किसी चीज़ के साथ अपने आप को एंगेज करता है, फिल्मों के साथ, बातचीत के साथ, या तो वो सोता है या तो वो वॉन्डर करता है। आज गरिमा लिख रही थी बाएं हाथ से, तो बोली थी जब तक मैं बाएं हाथ से लिख रही थी तब तक मेरा माइंड वॉन्डर नहीं कर रहा था, कोई थॉट नहीं आ रहा था। तो ये एक माइंड की ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें रमण कहते हैं जाना चाहिए आपको, जितना वॉन्डर ना करें उतना अच्छा। कृष्णमूर्ति थोड़ा इसके अलग कहते थे, वो कहते थे अगर माइंड वॉन्डर करता है तो उसके पीछे पीछे उसको ऑब्जर्व करो। लेकिन दोनों ही यही है कि बस बेलगाम छोड़ मत दो, उसको देखो। तो अल्कोहल के साथ जोड़ा जा रहा है क्योंकि अल्कोहल भी, शराब भी एक तरह की भोजन की वॉन्डरिंग है। जो पहली बार शराब पीता है ना, उसको कोई मन नहीं होता, उसका टेस्ट भी ख़राब होता है, वो खाली इसलिए पीता है चलो पी के देखते हैं, तो ये वॉन्डरिंग है। घर में से आप निकल गए कि चलो घूम के आते हैं, ऐसे ही आप पी के देखते हैं, तो ये वॉन्डरिंग खतरनाक है। और समय कौन सा सही है ध्यान करने के लिए? कहते हैं सबसे अच्छा समय सुबह का है, क्योंकि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो माइंड में बहुत कम थॉट्स होते हैं और बहुत कम चिंताएं होती हैं, तो आप सुबह सुबह ट्राई कर सकते हैं ध्यान करना। फिर किसी ने पूछा कि ध्यान अकेले करना चाहिए कि ग्रुप में करना चाहिए? बोलते हैं जो शुरुआत कर रहे हैं
वो ग्रुप में करें तो अच्छा है, लेकिन खाली ग्रुप में ही नहीं करें, अपने आप को ऐसा बनाएं धीरे धीरे कि जब आप अकेले हैं तो अपने मन में मेंटल सॉलिट्यूड बनाएं। सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेला होना। भीड़ से तो अकेला हम जानते हैं कि पब्लिक के पास नहीं है, लेकिन जब अकेले हैं तब सॉलिट्यूड कैसे बनाएं मन के अंदर, वॉन्डर नहीं करके, ढेर सारे विचारों से अपने आप को अलग करके। देखिए एक चीज़ समझिए, मेंटल सॉलिट्यूड पॉसिबल है, अपने को फोर्स नहीं करना है लेकिन पॉसिबल है। अपने साथ रह करके मन में शांत रहना पॉसिबल है। कभी भी हमको मेडिटेशन इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि यार हम पब्लिक में हैं, अभी बिजी हैं इसलिए अभी नहीं करते हैं। भीड़ में भी करिए, लेकिन हाँ दिखावा मत करिए इसका, ये हम भीड़ में दिखा रहे हैं, शादी में गए हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं, नहीं मेरा सुबह ध्यान का टाइम है। मन के अंदर अकेला रहना सीखिए, बोलते ध्यान करो चुपके से करो। लोग जानबूझ के अपने कपड़ों का एग्जीबिशन करते हैं, लोग अपनी शक्ल को खूबसूरत बनाते हैं आर्टिफिशियली, बाल पे काम करते हैं, कपड़े पे काम करते हैं, कपड़े में ऐसे रंग बनाते हैं, मतलब भड़कीले कपड़े पहनते हैं ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हों। लेकिन रमण कहते हैं यहाँ तक कि मेडिटेशन का भी शो मत करो, दिखावा मत करो। देखिए पता है क्या हो रहा है, जब आप अपने आप को दूसरों को दिखाते हैं तो आपका माइंड डायरेक्टेड है ऑब्जेक्ट्स के लिए और बाहर की इंटेलेक्ट के लिए। आज आंचल ने बताया कि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के पास पर्सनल असिस्टेंट थी 2014 में, आज 10 साल पूरे हो जाते और अगर ये वहाँ पर रह पाती तो बड़ी पावरफुल एंटिटी बन जाती, पैसे कमा पाती, लेकिन इसका इंटरेस्ट नहीं था ऑब्जेक्टिव पावर में, जो पॉलिटिक्स से मिलता है, पैसे से मिलता है, उसमें इसका इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए इसने 6 बार विपासना ज्वाइन किया, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना होता, 10 दिन के लिए बस चुपचाप रहो, खाना खाओ बस। रमण कह रहे हैं अगर तुम्हारा ध्यान केवल बाहर की चीज़ों के लिए अट्रैक्टेड है और बाहर की पावर के लिए अट्रैक्टेड है तो फिर तुम खाली वही चीज़ों में भटकते रहोगे। कहते हैं बहुत कम ऐसे विरला हैं, बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि एक आदमी जिन्होंने इनको नौकरी लगाई थी वो बोल रहा था तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम छोड़ के आ गई। रमण कहते हैं बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सेल्फ को अटेंड करते हैं। अगर कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर मिल जाए, कोई बड़ा बिजनेसमैन मिल जाए तो उसके लिए 100 लोग मिलते हैं नौकर बनने के लिए, उसकी अटेंड करने के लिए, लेकिन अपने अंदर में जो ईश्वर है उसको अटेंड करने वाला बहुत विरला होता है। अगर हम ऐसा कर सकें, अपने अंदर के ईश्वर को अटेंड कर सकें, तब हम केवल उसी के साथ रहेंगे, अकेले रहेंगे। बाहर की चीज़ों को हम अटेंड करेंगे, वो बाहर की चीज़ें हमारे अंदर भी घुस जाती हैं, कैलकुलेशन चलता है, अरे यार पहले तो मुझे इंपॉर्टेंस देता था, अब किसी और को देता है, क्या मैं उससे आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे अगर ये काम करना है तो मैं कितना उस काम में पैसा कमा सकता हूँ। बल्कि एक आदमी इनको मिला था जो खूब अमीर आदमी था, इनको नौकरी दिलाया कहीं, कुछ दिनों बाद इन्हीं को फंसाने के चक्कर में पड़ा था, अपनी मजबूरियां बता रहा था। तो जो आदमी केवल बाहर की चीज़ों में ग्रो होता जाता है उसको बेचारे को पता भी नहीं चलती है कि उसके साथ साथ वो अंदर गरीब हो रहा है। वो इतना गरीब हो गया था कि किसी इंसान को फंसा रहा है अपने शरीर के लिए, बाद में चिल्ला रहा है। देखिए आप बाहर कमाइए लेकिन अंदर में गरीब मत होइए। यही रमण कह रहे हैं कि बाहर का काम करो, भीड़ में रहो, फिर भी अंदर में अकेले रह सको, कि बाहर की भीड़ तुम्हारे अंदर ना घुसे। इसलिए रमण कहते हैं ध्यान मतलब अटेंशन, किस चीज़ को तुम अटेंड कर रहे हो। कह रहे हैं कि हमारा माइंड पिछले कितने जन्मों से केवल बाहर की चीज़ों को अटेंड कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो इतने जन्मों से सेवा कर रहा है कि बाहर की चीज़ों ने उसको एनस्लेव कर लिया है। एनस्लेव मतलब उसको गुलाम बना लिया, अब वो उसको नाक में नकेल डाल करके खींचता है यहाँ से वहाँ। हमको लगता है कि हम पावरफुल बन रहे हैं, लेकिन सच ये है कि बाहर की चीज़ें आपको जैसे जानवर को यहाँ से वहाँ खींचते हैं, ऐसे ही बाहर की दुनिया आपको खींच रही है। इसलिए भी ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि बाहर की चीज़ें कितना भी आप कोशिश कर लीजिए आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ दिन के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, तो नई चीज़ों को हम खोजते हैं। लेकिन अंदर की चीज़ पीस या साइलेंस, ये परमानेंट चीज़ है, अगर वो मिल जाती है तो मरती नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। तो ये सवाल के बाद एक बड़ा ही
मासूम सवाल पूछा है एक भाई साहब ने। कहा जाता है कि एक योगी को मृग छाल पे बैठना चाहिए ध्यान करने के लिए, क्योंकि इसके ज़रिए जब आप ध्यान करते हैं तो शरीर में से चुंबक की एनर्जी होती है वो तो खर्च नहीं होती, नहीं तो धरती में सारी एनर्जी आपकी खर्च हो जाती जो आप ध्यान करते हैं। तो क्या ये सही है कि हमको खरीदना चाहिए मृग छाल? बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, धरती तुम्हें लूट नहीं लेगी, जो भी ध्यानवार करोगे तो उसका असर धरती लूटती नहीं है। अच्छी चीज़ यह है कि तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। तंबाकू केवल आपको एक टेम्पररी स्टिमुलेशन देता है। स्टिमुलेशन क्या होता है? सेंसेशंस देते हैं जो आपको, जब पापा पढ़ाते थे ना नींद आती थी तो मैं पापा क्या पढ़ाते थे स्कूल में भी कॉलेज में भी नींद आ रही तो ऐसे चिकोटी कोटी काटते थे हम लोग कि नींद चली जाए। जब पापा को देखता था मैं नींद आ रही है तो बहुत अचानक से मारते थे, या जो पेंसिल पेन पड़ी उसी को निकाल कर चुभो देते थे, नींद खुल जाती थी। स्टिमुलेशन मतलब एक चुभन, लेकिन वो स्टिमुलेशन आप खुद ले रहे हैं। तंबाकू वो स्टिमुलेशन है, वो स्वादिष्ट खाना वो स्टिमुलेशन है। बोलते हैं वो स्टिमुलेशन आपको और ज़्यादा स्टिमुलेशन के लिए क्रेव कराती है। आज जिस चीज़ से आपको नींद खुल गई है वो कल को और मिलेगी तभी आपकी नींद खुलेगी, नहीं तो आप और बेहोश हो जाओगे। इसलिए तंबाकू मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए बहुत काम की नहीं है। वो एक प्रैक्टिस बता रहे हैं, बोले आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं और आपका माइंड भटकता है तो तुरंत पूछो अपने आप से तो मैं कौन हूँ। अभी बिल्कुल नहीं पता, अभी जब मैं पूछूंगा मैं कौन हूँ तो अंदर से आवाज़ आएगा क्या बकवास चल रहा है, लेकिन जब मैं पूछूंगा मैं कौन हूँ तो जो 100 अलग अलग विचार आ रहे हैं, नौकरी का विचार, बेटे का विचार, कोई और विचार, उसकी जगह विचार आएगा मैं कौन हूँ। और फिर क्या पता वो क्वेश्चन रियल क्वेश्चन बन जाए। अभी हमारे मन को लगता है मुझे पता है मैं कौन हूँ, ये बॉडी हूँ, लेकिन जब आप बार बार पूछते जाते हैं तो आप इस दीवार पे अपने मैं पर चोट कर रहे हैं। तो ये कहते हैं जब भी तुम्हारा मन यहाँ वहाँ भटके तो अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, और किसे विचार हो रहा है। गीता में भी यही शब्द लिखा गया है कि मन जब भी भटके उसको बार बार तुम्हें लाना होगा, अपने पास लाना होगा। हम लोग सोचते हैं हमें खुशी मिलेगी जब पैसा मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, हमारा परिवार सुकून में होगा, सब सेफ होगा, सिक्योर होगा। बोलते हैं जो आदमी मन को वापस ले आता है, जिसका सेल्फ उसके पास होता है, उसके सारे ईवल्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके पास से सारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाती हैं और ऐसे आदमी को खुशी मिलती है। खाली ऐसे ही आदमी को खुशी मिलती है, और ऐसी खुशी जो परमानेंट है, जो कभी ख़त्म नहीं होती। तुम ध्यान कर रहे हो तो अपनी आँखें खोल करके भी ध्यान कर सकते हो, बंद करके भी ध्यान कर सकते हो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। बोलते मेन चीज़ ये है कि अपनी आँखों से देख सके, क्योंकि आम तौर पे जब लोग देखते हैं ना तो अंदर कुछ चलता रहता है, अपने अंदर की दुनिया देखते रहते हैं, विचार में खोए रहते हैं, उसको देखते हैं जो मन में चल रहा है और बाहर नहीं देख पाते। तो रियल चीज़ ये है कि अपनी आँखों से देखो, तब अंदर के विचारों को भी बांट करके उसके अंदर से भी देख पाओगे। ऐसे ही शोर होता है, जब तुम शोर को ध्यान दोगे तब तुम शोर को समझोगे। शोर मचा रहा था, बोलते हैं अगर तुम शोर को सुनोगे उसी को सुनोगे, लेकिन जब तुम अपने आत्मन पे ध्यान दोगे, अपने सेल्फ पर ध्यान दोगे तो धीमे धीमे शोर नहीं सुनाई देगा। तुम कहाँ सुनाई देता है? जिस समय टीवी चलती है कुछ और सुनाई देता है, इंस्टाग्राम के साथ कुछ और कहाँ सुनाई देता है? तो अगर हम अपने सेल्फ को ध्यान देंगे तो धीमे धीमे बाहर की आवाज़ सब खत्म हो जाती है। अर्जुन ने एक सवाल पूछा था, वही इसने भी पूछा है। माइंड एकदम दिए की बाती की तरह है, फ्लप फ्लप ऐसे बहुत आसानी से हिलता रहता है और हमेशा भटकता रहता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? एक बहुत पावरफुल मेथड बताते हैं, लेकिन उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहते हैं अगर तुरंत पूछो अपने आप से किसको ये विचार हो रहा है, मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, जैसे ही तुम्हें एहसास हुआ कि मन भटक रहा है अपने आप से पूछो ये विचार किसको हो रहा है। जैसे अभी कान में आवाज़ आ रही है बारिश की, तो बारिश की आवाज़ से बाहर की चीज़ें हमको मन में इमेजिनेशन हो रही है, कल्पना हो रही है,
मन भटक रहा है। लेकिन अगर आप ये ध्यान से पूछें कि ये आवाज़ किसको सुनाई दे रही है, तो आवाज़ और स्पेस के बीच में गैप दिखाई दे जाएगा। अगर आप ये पूछते हैं कि आवाज़ किसको सुनाई दे रही है और वेट करते हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ से दूर हो जाते हैं। ऐसे ही जब आप ये पूछते हैं कि मन में खराब खराब विचार आ रहे हैं, जैसे आज बोलती हैं कि तुमसे 3 दिन से बात नहीं हुई तो बड़े खराब खराब विचार आ रहे थे, तो जो खराब खराब विचार हैं, हमारा मन उसको मानता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसलिए डरता है। अगर आप अपने आप से पूछें किसे हो रहा है ये विचार, विचार होने के लिए एक पर्दा चाहिए। जैसे पिक्चर चलता है ना, फिल्म, तो फिल्म दिखाई जाती है पर्दे पर, तो वो पर्दा, अगर आप पूछें कि विचार किसको हो रहा है, तो पर्दा आपको दिखाई देगा और तुरंत बोलते हैं तुम्हारा माइंड का टू एंड फ्रो सीजेस, आगे पीछे भटकना शांत हो जाता है। अगर अपने आप से पूछो किसे हो रहा है, यही लोग थे, रमण आश्रम के ही कुछ लोग थे जो विजय जी को दिखाई दिए वहाँ पहाड़ में बैठे हुए। हम लोग जब रियल लोगों को नहीं देखते ना ध्यान करते हुए, तो हमको लगता है, हमारे माइंड को लगता है कि बस बहुत सालों पहले कोई करता होगा, अब कहाँ कोई करता है यार, अब तो ज़माना गया। लेकिन आज भी अगर कोई आदमी ये सवाल पूछे कि यार मेरा मन भटक रहा है और ये विचार बेटे का, नौकरी का, काम धंधे का किसको हो रहा है, और वो 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए बैठ सके, तो शांत हो सकता है, वो ध्यान कर सकता है। अब देखिए, अगर कोई सीरियस आदमी है तो रमण उसको बोलते हैं, जब तुम खाना खाते हो ना, तो हर एक भोजन में उसके अंदर में कुछ तत्व होता है, एसेंस होता है, और यही है जो तुम्हारे माइंड को यहाँ वहाँ भटकाता है। इसलिए जो लोग भी अपने आत्मन को, सेल्फ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए खाने पीने का कुछ रूल बताया गया है और उसको फॉलो करना चाहिए। 3 तरह का भोजन बताए रहे हैं, एक सात्विक, जिसको प्योर बोला जाता है, वो ऐसा भोजन है जो ध्यान में मदद करता है। दूसरा है राजसिक, एक्टिव, वो ऐसा खाना आपको बैठने नहीं देगा, आपको लगेगा दौड़ते भागते रहो, कुछ कुछ करते रहो, परेशान रहते रहो। और तीसरा खाना है तामसिक, डल, तामसिक भोजन आपको नींद दिलाएगा, बेहोश कराएगा। तो इस तरह के 3 फूड हैं। अगर तुम ध्यान में जाना चाहते हो तो देखो कि कौन सा भोजन तुम्हें खाना चाहिए। आज का आखिरी सवाल, अगर हमारे अंदर में सेक्स की वासना आ रही है और क्रोध आ रहा है, इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं, तो उसको हम कैसे ओवरकम करें? ध्यान करके एक विचार को पकड़ो और बाकी सारे विचारों को छोड़ते रहो। तो ये बोलते हैं कौन से विचार को पकड़ें, कोई भी विचार जो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन वही एक विचार को पकड़ो। जैसे मैं एक जनोगा बुक पढ़ता हूँ या कोई भी किताब पढ़ता हूँ दिन भर में, तो वही एक थॉट चलता है दिन भर। कहते हैं विचार करना मतलब लड़ना। जैसे ही तुम ध्यान करना शुरू करोगे, बाकी विचार भीड़ की तरह तुम्हारे अंदर में घुस आएंगे, वो ढेर सारे विचार आएंगे और एक विचार को दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो एक विचार को मजबूत होना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। हर आदमी, चाहे कितना भी एडवांस्ड हो, उसकी लड़ाई होती है, मेडिटेशन में, ध्यान में लड़ाई होती है। हमारे अंदर में ध्यान आता है, पीस आता है, शांति आती है जब हम कॉन्टम्पलेशन कर पाते हैं। जब एक विचार ढेर सारे विचारों को हरा पाता है, तो धीरे धीरे पीस आता है। और एक बार ध्यान पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाता है, स्थापित हो जाता है, फिर वो छूटता नहीं है, 24 घंटे आपके साथ रहता है, ध्यान चलता रहता है। फिर आप कुछ भी करो, खेल रहे हो, काम कर रहे हो, या इवन सो रहे हो, तब भी ध्यान चलता है। वो इतना गहरा जड़ पकड़ लेता है कि वो नेचुरल हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन को करते रहो, सीखते रहो, सिंपल सी प्रैक्टिसेस हैं। एक आम आदमी को अगर भरोसा हो जाए तो ट्राई करें। यात्रा लंबी है लेकिन चालू तो कर ही सकते हैं। ठीक।